दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। दोस्तों लाडली बहना योजना को लेकर काफ़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो घोषणाएं हैं वो सही हैं या गलत हैं, और आपको जो 8वीं किस्त मिल रही है अभी 10 फरवरी को, कि आपको किस्त आपको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस जो है आपको लाडली बहना योजना की जो भी जानकारी आपको पता चलती है आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी यहाँ पर पता चल जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाडली बहना योजना का जो फरवरी में पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाडली बहना योजना का फरवरी में पैसा आपके सभी के खाते में आएगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना योजना तक कोई भी योजनाओं का बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि आपको जो पैसा कितना दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको 1250 रुपये मिल रहे थे, तो हो सकता है कि आपको 1500 रुपये मिलना शुरू हो जाए, मगर अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आपको जो है यहाँ पर आपको 1500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 1250 रुपये ही मानकर आप लोग रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर दस्तावेज फिक्स केवल आएंगे या आगे पीछे भी आएंगे। तो मैं आपको बता दूं अभी ये कोई डेट क्लियर नहीं आई हुई है कि आपका पैसा 10वीं तारीख को आएगा या आगे पीछे आएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि तीसरे चरण के अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि आपके फॉर्म भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि अभी जो यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं वीडियोज, बहुत सारी फेक वीडियोज आ रही हैं। कोई भी जो यहाँ पर योजना में जो अभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ना भी अभी कोई अपडेट आया हुआ है। धन्यवाद।